हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रास मैकेनिज्म। रास स्टैंड फॉर RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। वी वर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द यूरिन इन विच मैकेनिज्म ADH रेगुलेशन and auto regulation and neural regulation. In the auto regulation, involvement of a special type of muscles that is called smooth muscles, which is found in the wall of the afferent arteriole. The small changes are found in our body, that changes controlled by the wall of the smooth muscles of the afferent arteriole for the formation of the GFR. Then second type of regulation of the urine method we are already discussed, like neural regulation. In the neural regulation, there are two type of nervous system found in our body. First is sympathetic nervous system, second is parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system secrete is a special type of neurohormone like norepinephrine, and parasympathetic nervous system also secrete a special type of hormone is called acetylcholine. Both are regulate of the GFR and urine formation. That type of method also important, but today we are discuss a very important special topic, special subjects, special part of the regulation of the urine, that is called RAAS mechanism and JGA mechanism. तो आप देखिए बच्चों, हमारे अंदर JGA mechanism किस प्रकार से complete होती है, या RAAS mechanism control कौन करता है, किस प्रकार से हमारे अंदर JGA एक अपरेटस पाया जाता है जो कि इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण है। इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने में इसका एक बड़ा योगदान होता है JGA और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस से। इसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि JGA क्या है। तो JGA यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द JGA। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल लेसिस सेल, देन सेकंड टाइप ऑफ सेल मैकुला डेंसा पार्ट, एंड देन नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल JG सेल। JG सेल फाउंड इन द अफरेंट आर्टेरियोल, इट इज ए स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन सेल ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल। देन द मैकुला डेंसा इज ए स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द DCT। देन द पॉलकिंसन सेल, लेसिस सेल एंड मेसेंजियल सेल, इट इज ए कॉमन नेम ऑफ द सेल विच इज फाउंड इन बिटवीन द मैकुला डेंसा और DCT एंड ग्लोमेरुलस। तो इसके बीच में इस प्रकार से एक सेल्स का ग्रुप्स है जो स्पेशलाइज्ड है एक स्पेशल फंक्शन के लिए। तो ऐसे ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, JG अपरेटस कहेंगे, जो डिफरेंट सब्सटेंसेज रिलीज करके और इस मैकेनिज्म को बच्चों कंट्रोल करता है। JG सेल एक रेनिन हार्मोन रिलीज करती है, RENIN रिलीज करती है, जबकि यहाँ मैकुला डेंसा इज ए कीमोरिसेप्टर, जो यहाँ केमिकल जो DCT में से जो केमिकल पास आउट होते हैं उन केमिकल्स को यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है, कि सोडियम आयन है उसका लेवल डिटेक्ट करने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो ये सब चीजें आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि JG अपरेटस क्या है और ये RAAS मैकेनिज्म किस टाइप से यहाँ कंप्लीट होती है। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर द कंट्रोल बाय द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA। तो JGA क्या है, JGA ऑपरेट ए मल्टी हार्मोन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट इज कॉल्ड RAAS, RAAS। व्हाट डू यू मीन अबाउट द RAAS, द फुल फॉर्म ऑफ द RAAS, that type of question framed by the examiner, RAAS for renin angiotensinogen aldosterone system, that is called RAAS। अब RAAS किसे कंट्रोल कर रही है यहाँ पर, ये मैकेनिज्म किस प्रकार से यहाँ संपन्न होती है, तो हम यहाँ पर एक अलग डिफरेंट स्लाइड से यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ
रास मैकेनिज्म को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं रास, तो देखिएगा बच्चों ये मैकेनिज्म है वो टू टाइप के हार्मोन से यहाँ पर कंट्रोल होती है। एक हार्मोन रेनिन होता है और दूसरा हार्मोन यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। दोनों अपने एक दूसरे से कैस्केड नेचर में फंक्शन करके और यहाँ कंट्रोल करते हैं यूरिन को। ये मैकेनिज्म स्टार्ट कब होती है तब देखिएगा बच्चों, वैन हमारे अंदर सपोज करो बीपी का लेवल कम हो गया, बीपी कम हो गई और हम कह सकते हैं बीवी विल बी डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज, तो ये दोनों ही बच्चों यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो आप देखिएगा जीएफआर आल्सो डिक्रीज, जीएफआर है वो आल्सो डिक्रीज। ये कंडीशन यदि डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर, बीपी विल बी डिक्रीज देन ब्लड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, तो क्या होगा यहाँ जीएफआर आल्सो विल बी डिक्रीज। ये जब कंडीशन डेवलप होगी तो ब्लड पास आउट फ्रॉम द अपरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी, द डीसीटी मैकुला डेंसा डिटेक्ट ऑफ द जीएफ कि यहां पर हमारे पास में ये डिटेक्ट करता है कि सोडियम आयन है और वाटर है उसका लेवल क्या है ये डिटेक्ट करता है। साथ में जीजी सेल से जिसे पास आउट होगा, यहां पर मैं एक साइड में बता सकता हूं कि ये जो हमारा अपरेंट आर्टेरियोल था इसके अंदर से जैसे ब्लड पास आउट होगा तो यहां पर ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो किससे बनी हुई है वो या मसल्स से बनी हुई यहाँ सेल है, स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स जिसे जेजी ए सेल या जेजी सेल के नाम से अपन जानते हैं। तो इसके अंदर इस ब्लड के अंदर से वो डिटेक्ट करेगा सोडियम आयन और वाटर डिटेक्ट करेगा या बीपी डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर ब्लड की बीपी है वो डिक्रीज हो गई है। जैसे ही ये यहाँ पर डिटेक्ट करेगा तो जेजी सेल विल बी सीक्रेट ए स्पेशल टाइप ऑफ जेजी जो सेल्स है वो सीक्रेट कर रही है, जेजी सेल्स सीक्रेट ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम लाइक रेनिन, रेनिन विल बी सीक्रेट है, रेनिन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ फंक्शन कर रहा है जस्ट लाइक ऑफ हार्मोन। एक रेनिन और भी होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं आर ई डबल एन आई एन, आर ई डबल एन आई एन रेनिन, रेनिन इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम विच सीक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्टोमक, स्टोमक है, स्टोमक की पेप्टिक सेल है उसमें भी कौन सी सेल पेप्टिक सेल है वो यहाँ पर रिलीज करती है। तो इस टाइप के एंजाइम को हम कहेंगे रेनिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, बट यहाँ पर आर ई एन आई एन ध्यान रखना, यहाँ आर ई एन आई एन, आर ई एन आई एन सीक्रेट बाई द जेजी सेल, कब सीक्रेट करती है व्हेन द बीपी विल बी डिक्रीज देन द बीवी विल बी डिक्रीज देन जीएफआर आल्सो डिक्रीज। तो जीएफआर डिक्रीज होगा ऐसे केस में हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि बीपी कम हो गई यहाँ पर, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया यहाँ पर और जीएफआर कम हो गया है, जीएफआर कम हो गया तो यहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल है वो यहाँ पर स्लो फिल्टर होगा यहाँ। तो ये घटना घटित होने से, ऐसा इवेंट घटित होने से अब शरीर समझ जाएगा कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, किडनी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेगी कि हमें यहाँ पर बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो रेगुलेट करना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर रेनिन क्या करेगा, अब रेनिन कम इनटू द ब्लड, रेनिन आ जाएगा कम इनटू इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर रेनिन आएगा। अब ब्लड के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है इन द लीवर, लीवर के द्वारा फॉर्म एक स्पेशल प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम यहां पर कहेंगे एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन। ये प्रोटीन नॉर्मल टाइम में बच्चों इनएक्टिव प्रोटीन है विच इज फॉर्म बाय द लिवर प्लाज्मा प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड, इट इज ए इनएक्टिव प्रोटीन विच इज फॉर्म बाय द लीवर, लीवर के अंदर भी जो प्लाज्मा प्रोटीन बनती है वो यहाँ पर इसको फॉर्म कर रही है। द रेनिन एक्ट ऑन द एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन इन द लीवर, द एंजियोटेंसिनोजन चेंज इनटू और कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहाँ कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर इन द लीवर,
लिवर के अंदर यहाँ पर एट द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम, रेनिन ये काम कर रहा है यहाँ पर, रेनिन एंजाइम द एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट कम इनटू द कम इनटू लंग्स, ये कहा आ जाएगा यहाँ पर लंग्स के अंदर आएगा. लंग्स सेल हैव ए स्पेशल एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और एस एंजाइम, एट द प्रेजेंस ऑफ एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड. एंजियोटेंसिन सेकेंड इट इज ए वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट सब्सटेंस. एंजियोटेंसिन ये भी एक प्रकार की यहाँ पर प्रोटीन है जो सेकेंड एक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है. एंजियोटेंसिन इज ए स्ट्रॉन्ग है वैसो कंस्ट्रिक्टर प्रोटीन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर. ये क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेजो कंस्ट्रिक्टर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट वेजो कंस्ट्रिक्टर. तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट वेजो कंस्ट्रिक्टर. बट आपको मैंने कहा ADH इज ऑल्सो वेजो कंस्ट्रिक्टर बट माइल्ड वेजो कंस्ट्रिक्टर, नॉट ए स्ट्रॉन्गेस्ट वेजो कंस्ट्रिक्टर, इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट वेजो कंस्ट्रिक्टर. अब ये यहाँ पर कई वे में काम करता है. यहाँ एंजियोटेंसिन सेकंड जो प्रोटीन है ये काम करेगी यहाँ पर है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, एक्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स अब जैसे ही वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स बॉडी की संपूर्ण जितनी भी है ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर एक्ट होगी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ में एंजियोटेंसिनोजन है वो सेकेंड सर्कुलेट हो रही है यहाँ, तो ये एक्ट होगी. तो वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स विल बी कंस्ट्रिक्ट, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स विल बी कंस्ट्रिक्ट. जैसे ये कंस्ट्रिक्ट होगी तो यहाँ पर बीपी विल बी इंक्रीज, यहाँ बीपी इंक्रीज हो जाएगी और प्रिविलेज बीपी या अपने पूर्व में जो बीपी थी एक नॉर्मल बीपी थी वो बीपी वापिस यहाँ पर हो जाती है. और हमारा मेन मकसद क्या था, यही मकसद था बीपी क्या नॉर्मल हो गई, बीपी स्टार्ट कहां से कहां हुई थी, बीपी कम हो गई थी. अब ये कहता है हमारी बॉडी एंजियोटेंसिनोजन सेकंड कहता है कि मैंने बीपी को एक बार तो मेंटेन कर लिया है लेकिन आगे मैं बहुत लंबे समय तक इसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दूसरी प्रक्रिया दूसरी प्रोसेस है वो भी यहाँ पर स्टार्ट की जाए. यहाँ तो यहाँ पर सेकंड प्रोसेस से फिर स्टार्ट करता है द एंजियोटेंसिनोजन एक्ट ऑन द इट इज एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर ही एक्ट होगा. एड्रिनल कॉर्टेक्स में कई पार्ट है यहाँ पर, जोना ग्लोमेरुलोसा जोना पेसिकुलेटा जोना रेटिकुलेटा अमंग्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल ग्लैंड इज ए कैप लाइक ग्लैंड विच इज फाउंड अपर साइड ऑफ द किडनी एड प्लस रीनल पार्ट के ऊपर एड है यहाँ, तो सो कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड. द सुप्रारीनल ग्लैंड सीक्रेट और एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट एट द प्रेजेंस ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन सेकंड हार्मोन और प्रोटीन. व्हाट इज द सीक्रेट, तो दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन हार्मोन विल बी सीक्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकंड. सीक्रेट कौन कर रहा है, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. यहां तक बच्चों आप देखिए इस बात समझ में आ गई. अब एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, एल्डोस्टेरोन थ्रू द ब्लड एक्ट ऑन दी डीसीटी एंड सीटी मेनली एट दी डीसीटी एक्ट ऑन दी डीसीटी ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर फाउंड दी वॉल ऑफ द डीसीटी. यहाँ मैं यहां पर बात करूं या
ये एक हल्का सा पार्ट यहाँ पर बना के आपको समझाने का प्रयास करूँ कि ये डीसीटी है, इस डीसीटी पर है कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर है। कल कुछ रिसेप्टर बताए थे, वो रिसेप्टर थे एडीएच के रिसेप्टर। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से एक्ट होंगे कौन, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा कौन, एल्डोस्टेरोन। और ये रिसेप्टर किसके है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है ये ध्यान रखें यहाँ पर। अब एक्ट ऑन द डीसीटी, डीसीटी को अब आदेश देगा, डीसीटी की सेल को ये आदेश देगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ एक्ट हुए एल्डोस्टेरोन, तो इसके अंदर जो सेल है, क्यूबॉइडल जो सेल है यहाँ पर, उसको आदेश देगा कि यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाए और सोडियम आयन एंड वाटर, ये क्या आदेश देगा डीसीटी को, सोडियम आयन प्लस वाटर ये रीअब्जॉर्ब किया जाए यहाँ पर। सोडियम आयन और वाटर आर रीअब्जॉर्ब, जैसे ही ये यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा सोडियम आयन और वाटर, तो हमारे अंदर जो बीपी कम हो रही थी वो बीपी वापिस मेंटेन हो जाएगी। और बीपी कम क्यों हो रही थी, या बीपी इसलिए कम हो रही थी कि बॉडी के अंदर सोडियम आयन है वो कम हो गए, इसलिए कम हो रही कि वाटर का लेवल है हमारे अंदर कम हो गया और इसको वापिस हमने मेंटेन कर दिया यहाँ पर, तो हमारी बीपी और ब्लड वॉल्यूम और जीएफआर विल बी मेंटेन। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम यहाँ रेगुलेट कर सकते हैं यूरिन को, जीएफआर मेंटेन, तो यूरिन क्या रेगुलेट यहाँ पर हुआ, तो इसे ऐसे सोडियम आयन और वाटर है वो मेंटेन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मेंटेनिंग ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बाई द सोडियम आयन एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पर आंसर होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर इन द डीसीटी, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और फैकल्टेटिव टाइप ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। तो ये बात यहाँ पर समझ गए होंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। अब आप एक बार क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक बार फिर इसे रिवाइज कर देता हूं कि कैसे किस प्रकार से। तो आप देखिएगा इनिशियली क्या हुआ, क्या हमारे पास में क्यों ये रेगुलेट हो रहा है, हुआ ये व्हेन द बीपी विल बी डिक्रीज, बीवी डिक्रीज एंड जीएफआर डिक्रीज, व्हाई द डिक्रीज ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बीपी बीवी एंड जीएफआर ड्यू टू द लैक ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इन द ब्लड वेसल्स और ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड, that message give to the JG cell, the JG cell are situated, the JG cells are situated in the wall of the afferent arteriole, it is a specialized cell, the smooth muscles of the afferent arteriole specialized into a some special type of cell that is called JG cell, the JG cell detect the sodium ion and water and BP and BV that flowing of the blood from the afferent arteriole, when the BP is decreased, BV is decreased, sodium ion is decreased, then the secret a special type of enzyme that is called renin, R-E-N-I-N, renin act as a hormone at that condition. The renin come into the blood, then in the liver form a inactive type of a protein that is called angiotensinogen protein. In the angiotensinogen protein convert into the angiotensin 1 protein and angiotensin 1st protein. The angiotensin 1st protein flow through the blood and come into the liver and come into the liver to the lungs. In the lungs cells found a special type of enzyme that is called S angiotensin converting enzyme. The angiotensin converting enzyme convert angiotensin first protein to the angiotensin second protein. Angiotensin second protein, it is a very useful protein for our body. That type of regulation, it is a strong
वेजोकंस्ट्रिक्टिव प्रोटीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनर स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर इज तो आंसर आएगा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड इज ए स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर द एंजियोटेंसिनोजन सेकंड फंक्शन इन ए टू वे द वे नंबर फर्स्ट इज The angiotensinogen protein, second protein, act on the wall of the blood vessels. At the presence of angiotensinogen second protein, the wall of blood vessels also constricted, then BP will be higher or normal. पहले जैसी बीपी यहाँ पर बन जाती है तो इस प्रकार से बीपी को मेंटेन किया अब यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन सेकंड कह देता है ब्लड को कहता है एक बार तो मैंने मेंटेन कर ली है लेकिन इसकी परमानेंट मैकेनिज्म है परमानेंट रेगुलेट किया जाए कि बीपी कैसे मेंटेन हो तो दूसरा वे यहाँ पर है दैट टाइप ऑफ प्रोटीन एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हाट इज द पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज थ्री रीजन है जोना ग्लोमेरुलोसा जोना पेसिकुलेटा जोना रेटिकुलेटा द एंजियोटेंसिन सेकंड इज एक्ट ऑन द स्टिमुलेट ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स देन द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज रिलीज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरोइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन हार्मोन द एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम इनटू द ब्लड थ्रू द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड दैट इज एक्ट ऑन द डीसीटी एंड द सीटी Due to the DCT have some special type of receptor that is called aldosterone receptor. When the aldosterone are come into the near the DCT and connect with the aldosterone receptor and give order to the cell of the DCT that which are absorb of sodium ion and water from the flowing of the GFA. तो यहाँ जो GFA flow कर रहा है उसे आदेश देगा क्या order देगा यहाँ पर sodium ion और water को reabsorb किया जाए When the sodium ion reabsorb in the blood and water also reabsorb in the blood, the BP will be maintained. So and the blood volume will be maintained and GFR will be maintained and the lack of the sodium ion and lack of the water level found in the blood that is also maintained तो इस condition को हम क्या कहेंगे that is called the regulation of the urine by the RAS mechanism RAAS mechanism तो ये बच्चों यहाँ पर आप है अब बहुत अच्छी तरह एक clear understanding के रूप में आप समझ गए होंगे अब आप you have a क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट दी रास आप ये समझ सकते हैं अब मैं समझ सकता हूं कि आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आता है एग्जामिनर के अंदर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है तो मैं आई एम श्योर कि आप इस क्वेश्चन को ऐसा फोड़ोगे ऐसा करोगे ऐसा सोल्व करोगे कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करोगे कि ये हमारा 100% राइट क्वेश्चन है हमारा 100% है वो यहाँ पर सोल्यूशन है वो राइट है हमारा तो ये इस प्रकार से आपको क्रिस्टल स्टडी हमने करनी है तो इसी चीज पर हम इसी थीम पर हम आगे देखते हैं कि क्या हमने इसके लिए क्या स्लाइड बनाई है किस प्रकार से हम इसको आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं रास मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू रास व्हेनेवर देयर इज ए फॉल इन बीपी और ब्लड वॉल्यूम कि बीपी क्या होगी यहां पर डिक्रीज होगी और बीवी यहां पर क्या होगी डिक्रीज होगी यहां पर ध्यान रखे ब्लड वॉल्यूम यहां पर है बिल्कुल डिक्रीज तो होगा क्या The GG respond to this decrease in the blood pressure or blood volume in the afferent arteriole of the glomerulus and release an enzyme is called the renin into the blood stream. It is very important statement. ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं पहले. In the blood, the renin initiate chemical reaction that convert a plasma protein called angiotensinogen protein, which is formed by the liver cell, to a peptide. Angiotensinogen is a peptide, it's called angiotensin. Second, which work as a hormone. Angiotensin second increase the blood pressure by causing arteriole to constrict due to a strong vasoconstrictor. It is very important statement. Then it also increases blood volume in two way. Why two way and how two way? Firstly,
by signaling the proximal convoluted tubule to the reabsorption of the more NaCl and water. Firstly, क्या कह रहा है यहां पर, सॉरी, by the signaling distal convoluted tube, या proximal की जगह क्या है, distal convoluted tube to reabsorb more NaCl and water. It is very important statement, ये ध्यान रखें यहां. Then the secondary, by stimulating the adrenal gland to release aldosterone, a hormone that induce the distal convoluted tubule to reabsorb more sodium ion and water. तो ये यहाँ पर एल्डोस्टेरोन से यहाँ पर फंक्शन कर रहा है और यहाँ पर सिग्नलिंग क्या कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है और वेजो कंस्ट्रिक्शन का भी फंक्शन यहाँ पर करवा रहा है. Then this lead to an increase in the blood volume and pressure, completing the feedback circuit by the supporting the release of renin. तो ये बात आप बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे कि मेनली यहाँ पर रेनिन और एल्डोस्टेरोन है और ये यहाँ बीपी को मेंटेन कर रही है और एनएसएल और वाटर को मेंटेन कर रही है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जैसे ही मेंटेन हो जाएगा तो फीडबैक मैकेनिज्म से यहाँ पर रेनिन का सिक्रेशन है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिससे एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा और यहाँ एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजी प्रोसेस है वो यहाँ बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी. देन यहां पर एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है. तो देखिएगा ये बच्चों हमारे पास में लीवर है, लीवर यहाँ इस डायग्राम के साथ में दिखाया गया है ताकि आप इस पिक्चर को अच्छी तरह देख सको और पिक्चर हमारे अंदर लॉन्ग टाइम तक सेव रहती है और इसे भूले नहीं. एंजियोटेंसिन है, टेंसिनोजन प्रोटीन है, इस पर एक्ट होता है. यहाँ पर रेनिन, रेनिन कौन सीक्रेट करता है, किडनी, किडनी की जेजी सेल करती है. इससे क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा यहाँ ब्लड के अंदर, ये लीवर में, लीवर से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा. यहाँ पर लंग्स के अंदर एस है, यहाँ पर एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है. एट द प्रेजेंट ऑफ एस द ए वन कन्वर्टिंग टू ए टू, ए टू आएगा यहाँ पर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड के पास में और एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगी एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन एक तो यहाँ पर हार्ट के ऊपर फंक्शन करेगा और दूसरा यहाँ पर आर्टरी के ऊपर फंक्शन करेगा और आर्टरी क्या होगी यहाँ पर वेसो कंस्ट्रिक्शन, देन इंक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. कौन करवा रहा है, ये किडनी करवा रही है यहाँ पर. इस प्रकार से एक मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट होती है. इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, रास मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म कह सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बच्चों, देखिएगा. देन इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर्स ANF. क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ANF, यहाँ से क्वेश्चन आता है. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द ANF एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANF. तो ANF फॉर एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर इज ए फुल फॉर्म ऑफ ANF. कहां से रिलीज होता है और क्या फंक्शन करता है, तो देखिएगा, व्हेन द बीपी और ब्लड वॉल्यूम इज राइज, देन द वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ द हार्ट रिलीज ANF. तो कहां से रिलीज हुआ, ये हार्ट की जो वॉल है वहां से ये रिलीज होता है. दिस ANF कॉज वेजोडाइलेशन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. तो बीपी को डिक्रीज करने में ये हेल्पफुल है, कौन, ANF. एंड ANF आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनी एंड चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म. इसका मीनिंग रास को कंट्रोल कर रहा है कौन, ANF कर रहा है. कैसे कर रहा है देखिएगा, तो अभी हमने कहा मान लो यहां पर बीपी विल बी इंक्रीज, बीपी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी
बीपी इंक्रीज तो आप कहोगे ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज तो जीएफआर ऑल्सो इंक्रीज। इसका रीजन क्या हो सकता है कि बीपी इंक्रीज, बीवी इंक्रीज एंड जीएफआर इंक्रीज है। इसका रीजन हो सकता है कि हमारे अंदर सोडियम आयन प्लस वाटर का लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर लेवल ऑफ द सोडियम आयन एंड लेवल ऑफ द वाटर विल बी इंक्रीज इन आवर ब्लड वॉल्यूम, सो द बीपी बीवी एंड जीएफआर ऑल्सो इंक्रीजेज। देन जैसे ही यहां से ब्लड पास आउट होगा फ्रॉम दी हार्ट, तो हार्ट का जो एट्रिया है, हार्ट का जो एट्रियम वाल है, विल बी सीक्रेट ए स्पेशल केमिकल दैट इज कॉल्ड एएनएफ। ये एएनएफ को सीक्रेट करेगा। एएनएफ इज ए वेजोडाइलेटर, एएनएफ इज ए वेजोडाइलेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एएनएफ इज ए वेजोडाइलेटर, बट एलोस्टेरोन एंड एडीएच इज ए वेजोकंस्ट्रिक्टर। सो एएनएफ एंटागोनिस्टिक टू ADH एंड एल्डोस्टेरोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहां पर कि एंटागोनिस्टिक है कौन, एएनएफ है, किसका एंटागोनिस्टिक है, ADH का एंटागोनिस्टिक है और एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्टिक है। क्यों है, एल्डोस्टेरोन और ADH दोनों वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके बीपी को इंक्रीज करवाते हैं। ये दोनों ही का है वो, या बीपी इंक्रीज करवा रहे हैं कैसे, वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण। जबकि एएनएफ है ये बीपी को डिक्रीज करवाने का काम कर रहा है। यहां पर कब, जब बीपी बढ़ जाती है उस समय डिक्रीज करवाने का काम करेगी। इसलिए क्यों करवाएगी, कैसे करवाएगी, किस मेथड से करवाएगी, ड्यू टू द एएनएफ इज ए वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर यहां पर रिलीज होगा। तो देखिए आपने जो ब्लड वेसल्स है इसका व्यास, इसका डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे डायमीटर इंक्रीज होगा तो ब्लड की फ्लोइंग के लिए स्पेस मिल जाएगा उसे, और जैसे स्पेस मिलेगा तो बीपी हमारी थोड़ी डाउन हो जाएगी, हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। तो बीपी एक तरीके से तो डाउन इस प्रकार से हुई, यहां पर वेजो डायलेटर का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, बीपी को कम करेगा। तो बीवी कम होगी, और बीवी कम होगी तो यहां पर जीएफआर है वो भी, यहां पर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। एक वे तो ये कम कर रहा है, दूसरा वे क्या कर रहा है, ये रास जो है इस रास को डिक्रीज कर रहा है, यहां पर रास को कंट्रोल कर रहा है, और रास को कंट्रोल करते ही एल्डोस्टेरोन कंट्रोल हो गया, एल्डोस्टेरोन कंट्रोल हो गया, रेनिन कंट्रोल हो गया, ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे तो हमारी बीपी फिर कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। व्हाट टाइप ऑफ मेथड है, एएनएफ रेगुलेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के साथ में यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। तो ये बात बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आगे चले नेक्स्ट है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में अन्य ऑर्गन का क्या रोल है, कौन कौन से अन्य ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं। किडनी तो एक्सक्रीट करती करती है, लेकिन किडनी के अलावा और कौन से ऐसे पदार्थ है, कौन से ऐसे ऑर्गन है जो पदार्थों को एक्सक्रीट कर रहे हैं फ्रॉम द बॉडी। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर हार्मफुल इन आवर बॉडी। इसमें हमने पहले भी चर्चा की थी, मेनी सब्सटेंसेज रिलीज करने के लिए जो ऑर्गन है, फर्स्ट मेन ऑर्गन है लंग्स। लंग्स से क्या एक्सक्रीट करता है, द ह्यूमन लंग एलिमिनेट अराउंड 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 400 ml ऑफ वाटर पर डे रिलीज करता है। इसके अलावा कुछ वोलेटाइल मटेरियल है वो भी यहां पर रिलीज करता है। वोलेटाइल मटेरियल में क्या कह सकते हैं, एल्कोहल। जैसे ही हमारे लंग्स के पास से एल्कोहल पास आउट होगा और कीटोन बॉडी पास आउट होगी, तो इनको एयर के साथ में
डिफ्यूज कर दिया जाएगा और डिफ्यूज करने के पश्चात इसे बाहर निष्कासित किया जाता है। तो ये क्या है कि वोलेटाइल मटेरियल्स है और आल्सो रेडियली एलिमिनेटेड थ्रू दी लंग्स। तो ये बच्चों देखा होगा आपने, पहले भी आपको बताया था कि हमारे अंदर जब हम एल्कोहल ड्रिंक करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ द एल्कोहल है वो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के साथ में है वो एक वेपर के रूप में बाहर निकलती है। इसीलिए जब हम एक्सहेलेशन करते हैं उस समय कोई एल्कोहल ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है वहां पर स्मेल है वो ज्यादा आती है। कब? एक्सहेलेंट श्वास के अंदर ब्रीदिंग के अंदर एल्कोहल की स्मेल ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कीटोन बॉडी की स्मेल भी यहाँ पर जिसमें एसीटोन है एक कीटोन बॉडी का पार्ट है उसकी स्मेल है यहाँ पर बात ज्यादा आती है। तो ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या कहेंगे? वोलेटाइल मटेरियल कहेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द वोलेटाइल मटेरियल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल एल्कोहल और कीटोन बॉडी, विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज रिलीज फ्रॉम द लंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल मटेरियल। तो दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल मटेरियल, एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एल्कोहल और कीटोन बॉडी। तो इसे हम इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन स्किन आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन है, ह्यूमन स्किन हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड, फर्स्ट इज सीपेसियस ग्लैंड, सेकंड इज स्वेट ग्लैंड। द स्वेट ग्लैंड व्हाट इज सीक्रेट, दीज एक्सक्रीट स्वेट, द स्वेट कंटेन 99.5% वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। द वॉल्यूम ऑफ स्वेट मे वेरी फ्रॉम द नेग्लिजिबल टू 14 लीटर ए डे। एक दिन के अंदर स्वेट का वॉल्यूम कितना हो सकता है यहां पर? 14 लीटर पर डे ये यहाँ पर रिलीज किया जाता है। देन सीबेसियस ग्लैंड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दीज सीक्रेट सीबम विच कंटेन वैक्स, स्टीरोल एंड अदर हाइड्रोकार्बन एंड फैटी एसिड। दिस सीक्रेशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। सो द स्किन इज ए मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो इस प्रकार से यहां पर जो सीबेसियस ग्लैंड है वो ऑयली जो सब्सटेंसेज रिलीज कर रहा है इसे हम सीबम कहेंगे। द कंटेंट ऑफ द सीबम, ये क्वेश्चन बच्चों यहां पर फ्रेम किया गया है नीट के अंदर कि सीबम का कंटेंट क्या होता है। तो सीबम के कंटेंट में वैक्स पाया जाता है, स्टीरोल पाया जाता है एंड हाइड्रोकार्बन यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड सम फैटी एसिड ऑल्सो फाउंड इन दी सीबम। और फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन और वैक्स होने के कारण ये मटेरियल क्या होता है? ऑयली टाइप का सब्सटेंसेज होता है एंड बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग कर देता है जो हमारे बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन है उससे भी हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। कौन? सीबम करता है। देन इंटेगुमेंट इन मेनी एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इन सराउंडिंग मीडियम बाय द डिफ्यूजन। तो ये एक्वाटिक एनिमल की बात है यहाँ पर। देन लिवर ऑल्सो ए मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लिवर इज द मेन साइट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट ऑफ द स्टीरोइड हॉर्मोन, सम विटामिन्स एंड मेनी ड्रग्स ऑल्सो रिलीज सीक्रेट बाय द लिवर। बाइल कैरीज दीज मटेरियल टू द इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर दे आर एक्सक्रीटेड विद द फिकेज मटेरियल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। अब इसके बाद में आता है डिसऑर्डर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम की कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है।
क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किसी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है इसमें कुछ ऑर्डर डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं, इलनेस आ जाती है। यदि एक्सक्रीशन से रिलेटेड वो ऑर्डर डिसऑर्डर है तो हम इसे कहेंगे एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर सिस्टम जो डिसऑर्डर है। दैट इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर यूरेमिया। What do you mean about the uremia? तब देखिएगा हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए यूरिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक निश्चित यूरिया हमारे ब्लड में पाई जाती है। यदि ये यूरिया की अमाउंट हायर हो जाए तो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है। हायर अमाउंट ऑफ द इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ द यूरिया कंटिन्यूस हम किडनी के द्वारा एलिमिनेट करते रहते हैं और पर डे आपको बताया था 25 to 30 ग्राम यूरिया है वो हम यहाँ पर रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। यदि ये यूरिया एक्सक्रीट नहीं हो तो हमारे ब्लड में एक टॉक्सिक इफेक्ट डालेगी और इस टॉक्सिक इफेक्ट से एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसे यूरेमिया कहते हैं। और यूरेमिया की कंडीशन में वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन, वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी ये यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने से हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए हायर अमाउंट ऑफ द यूरिया इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, इज ए टॉक्सिक मटेरियल। द माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, ए कंडीशन दैट इज कॉल्ड यूरेमिया विच इज अ हाईली हार्मफुल मे लीड टू किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड ब्रेन फेलियर। तो इस प्रकार से यूरेमिया जो है इट इज ए वेरी मोस्ट हार्मफुल डेंजरियस डिसऑर्डर ऑफ रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। देन सेकेंड इज रीनल कैलकुली। व्हाट डू यू मीन अबाउट द रीनल कैलकुली? रीनल कैलकुली इज ए स्टोन। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है रीनल कैलकुली क्या है, एक स्टोन है इन द किडनी विच पार्ट द पेल्विस रीजन ऑफ द किडनी, द पेल्विस रीजन ऑफ द किडनी फॉर्म ए स्पेशल क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सोडियम और पोटेशियम के क्रिस्टल, सोडियम और पोटेशियम के लिख रहा हूं मैं यहां पर, सोडियम और पोटेशियम के क्रिस्टल हम कह सकते हैं यहां पर सोडियम ऑक्सलेट, पूरा नाम इसका है सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कब? जब यहां पर कंडीशन आ जाती है, कौन सी? जो रीनल कैलकुली की यहां पर कंडीशन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में कहां पर बनते हैं यहां पर? पेल्विस रीजन में बनते हैं। किडनी की जो बच्चों हमने स्ट्रक्चर ली थी, ये स्ट्रक्चर ली थी तो यहां पर जो पेल्विस रीजन है यहां, इस पेल्विस रीजन में जैसे जैसे यहां पर यूरिन आएगा, पेल्विस रीजन में मैंने कहा था यहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होने के कारण या अब्सॉर्प्शन ऑफ द यूरिन नहीं होता है। फर्स्ट टाइम 100% यूरिन वर्ड जो काम में लिया गया वो पेल्विस में ही लिया गया, लेकिन हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें कई बार ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। ये क्रिस्टल डिपोजिट इन द पेल्विस रीजन ऑफ द किडनी, जैसे जैसे यहां पर डिपोजिट होते जाएंगे तो एक बड़ी स्टोन बन जाएगी। ऐसी स्टोन को हम क्या कहेंगे? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन किससे बनती है? ऑक्सलेट के क्रिस्टल से बनती है। यहाँ पर ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है, वहां से ये किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। या तो इसे हम रीनल कैलकुली के नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल कैलकुली। क्या कह रहा है? ये स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, कौन सा? ऑक्सलेट का सॉल्ट फॉर्म विद इन द किडनी विच पार्ट? तो पेल्विस पार्ट। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर फ्रेम किया गया है, यहाँ 2017 में ये फ्रेम किया गया है कि किस रीजन में
यहाँ किडनी का कौन सा पार्ट है जिसमें यहाँ पर ये क्रिस्टल फॉर्म होती हैं और रीनल कैलकुली डेवलप करते हैं? आंसर आएगा पेल्विस रीजन। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस डिजीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। हमारे अंदर जो ग्लोमेरुलस है उस प्रकार से ये ग्लोमेरुलस है, ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर जो यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर मान लो ये एक ट्यूब लिया हमने और इसमें ये इन्फ्लेमेशन आ गया, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट है वो यहाँ पर इफेक्ट होगी। फिल्ट्रेशन रेट जब इफेक्ट होगी तो पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ऐसी डिजीज को हम ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कहते हैं। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कहा गया है। मेंडल की जो डेथ हुई थी वो ब्राइट डिजीज के कारण हुई थी, उसी ब्राइट डिजीज को हम यहाँ पर ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। या तो मेंडल की डेथ है वो इसी डिजीज के कारण, इसी डिसऑर्डर के कारण हुई थी। तो इट इज वेरी डेंजेरियस डिजीज। देन नेक्स्ट फिर क्या है, और कुछ डिजीज है जिसमें डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे हीमोडायलिसिस और या किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसी प्रोसेस है वो भी यहाँ पर हम करेंगे, तो ये करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा, आज हमने ये लर्न किया कि फर्स्ट तो रेगुलेशन ऑफ द यूरिन बाय द रास मैकेनिज्म, सेकेंड द रेगुलेशन ऑफ द यूरिन बाई ANF इज ए वेजो डायलेटर बट रास मैकेनिज्म इज ए वेजो कंस्ट्रिक्टर, जो बीपी और बीवी को मेंटेन रखता है जब कम हो जाती है, और ये ANF जब बीपी ज्यादा हो जाती है तब यहाँ पर यूरिन को रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद में हमने डिसऑर्डर देखे, डिसऑर्डर में यूरिनिया डिसऑर्डर, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस डिसऑर्डर, किडनी स्टोन और रीनल कैलकुली डिसऑर्डर, दैट टाइप ऑफ डिसऑर्डर मेंशन इन दी NCERT। तो इन डिसऑर्डर को हम स्पेशली यहाँ पर स्टडी किया और इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ फ्रेम कर सकता है। तो अब मैं होप कर सकता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एक ये कम्प्लीट हो गया, इसके बाद में हीमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का एक पार्ट और है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर करेंगे। और यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह एक क्रिस्टल क्लियर नॉलेज के साथ में यहाँ आप इसे समझ गए होंगे और आगे इसके क्वेश्चन है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसे आगे हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।